ये मेरा फिफ्थ मेंस था और इंटरव्यू पहला था, और बाकी मैं कॉलेज के बाद से प्रिपेयर कर रहा था 2016 से ही, तो लगभग 7-8 साल हो गए प्रिपरेशन। मेरी गलती ये रही कि मैंने इनको इतना अच्छे से नहीं फॉलो किया, ज़्यादा सोर्सेज। तो अभी हम लोग यूपीएससी भवन है और सर अभी यूपीएससी सीएससी का इंटरव्यू दे के आए हैं और सर से जाने की कोशिश करते हैं ऑल ओवर आज का इंटरव्यू का। सर सबसे पहले आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरा नाम भागचंद वेगर है और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैंने IIT रुड़की से एमटेक किया है। ओके, और ये कौन सा अटैम्प्ट आपका? मेरा 6th अटैम्प्ट है और पहला इंटरव्यू था। ओके, पहला इंटरव्यू। सर मेरा मतलब ये कि मैं आपसे इससे पहले की पास्ट का मैं आपको जानना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब आपने 6th अटैम्प्ट में कैसे यूपीएससी को झेला है और कितनी लगातार पढ़ाई की है, इससे पहले प्रीलिम्स में हुआ कितनी बार हुआ है, इंटरव्यू फर्स्ट टाइम दिया, कैसा क्या सीन रहा? ये मेरा 5th मेंस था और इंटरव्यू पहला था, और बाकी मैं कॉलेज के बाद से प्रिपेयर कर रहा था 2016 से ही, तो लगभग 7-8 साल हो गए प्रिपरेशन। सर इस प्रिपरेशन के दौरान 5 बार मेंस लेके आपने, एक बार इंटरव्यू भी दिया है, तो 5 बार प्रीलिम्स क्रैक करने की आप क्या सर क्या रणनीति रही, उसके लिए क्या क्या आपने सोर्सेज फॉलो किए, क्या अलग किया? अलग तो कुछ नहीं, जो बाकी लोग जो सेलेक्ट होते हैं वही मैंने किया। सबसे पहली चीज़ तो आपकी बेसिक बुक्स हो गई जी, वो आपको फॉलो करनी है जी। उसके अलावा आपका यूपीएससी का सिलेबस PYQ और प्रैक्टिस, ये चीज़ें आपको करनी है, करोगे तो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। और इसके अलावा अभी के दौर में एक CSET का बड़ा चैलेंज हो गया, तो आपको उसको भी लेके चलना है। बहुत लोगों का मैंने देखा है कि GS में काफ़ी अच्छा स्कोर होने के बावजूद CSET की वजह से उनका प्रीलिम्स नहीं होता है, तो CSET अभी एक बड़ा चैलेंजिंग चीज़ उभर के आई है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। ओके, तो आपने इसके लिए UPSC के लिए कोई पहले कोचिंग ज्वाइन की थी या फिर? हाँ बिल्कुल, मैंने जब शुरू में मैं दिल्ली आया था उस टाइम में मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी दृष्टि IAS, वहाँ से मैंने फाउंडेशन और हिंदी लिटरेचर के लिए कोचिंग ली थी। ओके, तो सर ये जो कोचिंग कितना हेल्प की आपको, क्या रियल में आपने हेल्प की या फिर आपने सिर्फ सेल्फ से की? देखो कोचिंग हेल्पफुल तो होती है, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है वो चीज़ें समझ आने लगती है। बाकी कोचिंग आपकी सिलेक्शन में हेल्प करा सकती है, सिलेक्शन नहीं करा सकती जी। सिलेक्शन के लिए तो यही है कि आपको सेल्फ करना ही पड़ेगा, आपको एग्ज़ाम प्रोसेस को समझना पड़ेगा, क्योंकि UPSC इटसेल्फ एक डायनेमिक एग्ज़ाम है, तो आप PYQ वगैरह देख के समझ पाओगे कि एग्ज़ाम अभी क्या डिमांड कर रहा है, तो उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी और स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। सर आपने इस UPSC में पूरा टाइम दिया, पूरी मतलब 8 साल दिए अच्छे से, तो आपने इतना तो सीख लिया कि क्या ऐसी 3 गलतियां जो स्टूडेंट्स को लगे कि नहीं करनी चाहिए इस प्रिपरेशन के दौरान? जो मैंने अभी बताया वही कि बेसिक बुक्स हो गई, सिलेबस, PYQ और प्रैक्टिस, ये अगर आप चीज़ें कर रहे हो तो आपका होगा। मेरी गलती ये रही कि मैंने इनको इतना अच्छे से नहीं फॉलो किया, ज़्यादा सोर्सेस फॉलो किए या PYQ को उतना सीरियसली नहीं लिया, तो ये मेरी साइड से गलती रही जिसकी वजह से मेरा नहीं हुआ पिछले अटेम्प्ट्स में, इस अटेम्प्ट में किया तो हुआ ना। ओके सर, इस बार जो प्रीलिम्स दे रहे हैं उनको कुछ बोलना, अपनी टिप्स, व्यक्तिगत टिप्स? अगेन वही बात जो आपको शुरू में बोली मैंने कि आपको बेसिक बुक्स अच्छे से करके जाना, मैक्सिमम रिवाइज करो और UPSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको करना, PYQ पिछले 5 साल के कम से कम आपके टेबल पे होने चाहिए, और फिर आपको प्रैक्टिस, आप मार्केट में बहुत सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है उनसे आप प्रैक्टिस करो तो आपका प्रीलिम्स होता है उससे। और आज के इंटरव्यू में सर, इंटरव्यू के कुछ एक दो क्वेश्चन आप बताएंगे जो स्टूडेंट्स को हेल्प होगी, जो आपको याद आ रहे हैं ऐसे, उसमें उस समय में आपने क्वेश्चन मना किया, मतलब आपने नो बोला हो, ऐसे कुछ क्वेश्चन याद आ रहे हैं? मैंने ऐसे नो बोलने वाले तो नहीं थे, मैंने को मोस्टली पता थी क्योंकि मेरा इंटरव्यू डे बेस्ट था, तो डेप का मैंने ठीक से प्रिपेयर किया था, तो मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर करने में एबल था। और बाकी जो था, वन नेशन वन इलेक्शन पे पूछा था, डेप से रिलेटेड, मेरे जॉब से रिलेटेड पूछा, और बाकी थोड़े सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पे मिक्स था, मतलब ज़्यादातर डेप पे बेस्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। थैंक यू सर।